इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, वो कौन सा गुनाह है जिस गुनाह की वजह से दोजख भी इंसान पे लानत करती है? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, वो बदतरीन गुनाह अल्लाह के किसी बंदे को गाली देना है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ने जबान इंसान को शुक्रगुजारी और हम्द व सना के लिए दी। जो इंसान अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करता है, शुक्र करता है और अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी जबान को नरम रखता है, अल्लाह की रहमत उस इंसान पे बरसती रहती है। लेकिन जो इंसान अपनी जबान से अल्लाह की मखलूक को गालियां देता है, तल्ख अल्फाज कहता है, दिल दुखाता है, तो ऐसे इंसान के मुंह से रोजे महशर ऐसी बदतरीन बदबू निकलेगी, गंदगी निकलेगी कि दोजक में रहने वाले भी इस इंसान से नफरत करेंगे और दोजक की जमीन उस इंसान पे लानत भेजती रहेगी, लानत भेजती रहेगी।